नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड पहुंचा मानसून, चार जिलों में हुई बारिश। दक्षिण पश्चिम मानसून सोमवार को झारखंड पहुंच गया है और राज्य के 24 में से चार जिलों में बारिश हुई है। राज्य में हीट वेव के कारण 16 लोगों की मौत भी हो गई। बता दें, तेज गर्मी के कारण स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, समय में परिवर्तन कर दिया गया और अधिकांश जिलों में पारा 40 डिग्री के पार चल गया है। बता दें, ऐसे में भारतीय मौसम विभाग की ओर से 21 जून और 22 जून को भारी बारिश का अनुमान जताया गया। मानसून की खबर लोगों को काफ़ी राहत देने वाली खबर साबित होगी। बता दें, मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि गोड्डा, पाकुड़ और दुमका जिलों में दिन में मानसून की बारिश हुई। वहीं रांची मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 2-3 दिनों में झारखंड के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। इसका दायरा 24 जून तक पूरे राज्य में फैलने की संभावना है। वहीं आनंद ने कहा है कि पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व जिलों, मुख्य रूप से साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामतरा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में 21 जून और 22 जून को भारी वर्षा हो सकती है। अधिकारी ने बताया, मानसून के देर से आने के कारण जून में बारिश में कमी दर्ज की जा सकती है, वहीं जुलाई में इसमें सुधार हो सकता है। धनबाद के किसानों को सरकार देगी 2 जोड़ा बैल। धनबाद के छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि एवं पशुपालन विभाग की ओर से जोड़ा बैल योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों को 90% अनुदान पर जोड़ा बैल दिया जाएगा। बता दें, धनबाद में किसानों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए किसानों के पास अपनी जमीन होनी चाहिए जहाँ पर वह पारंपरिक खेती करते हैं। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया है कि पहले चरण के तहत धनबाद में कुल 28 किसानों को जोड़ा बैल दिया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं कृषि विभाग ने जोड़ा बैल वितरण स्कीम के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, आदिम जनजाति के BPL श्रेणी के लाभुकों को प्राथमिकता के आधार पर इसका लाभ देने को जिलों से कहा है। जैक बोर्ड 11वीं परीक्षा में फेल छात्रों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने भाजी लाठियां। जैक 11वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र सोमवार को जैक ऑफिस पहुंचे। इस दौरान जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो से मिलने की मांग करते हुए अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर बैठे। वहीं कुछ छात्र कैंपस के बाहर खड़े थे। छात्रों को जब जैक अध्यक्ष से मिलने नहीं दिया गया तो विरोध स्वरूप सभी छात्र प्रदर्शन करने लगे। इसे रोकने के लिए पुलिस को लाठियां चार्ज करना पड़ा। बता दें, इस दौरान कुछ छात्र छात्राओं को हिरासत में भी लिया गया। दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल जैक अध्यक्ष से मिलकर समाधान की मांग की है। इस पर जैक अध्यक्ष ने जल्द ही छात्र हित में फैसला लेने की बात कही। छात्रों का कहना था कि जैक द्वारा जारी 11वीं के परीक्षा फल में कई त्रुटियाँ हैं। मिले अंक से असंतुष्ट छात्र उत्तर पुस्तिका की दोबारा मूल्यांकन कराने की मांग को लेकर 16 जून को सैकड़ों छात्र जैक कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों के नहीं रहने पर 4 घंटे बाद सभी लौट गए थे। झारखंड में बनेंगे 1 लाख कुएं, धरातल पर होगा कुएं का निर्माण। बिरसा सिंचाई कूप योजना में धरातल पर कुआं दिखे, कागजी खेल नहीं हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसमें लापरवाही ठीक नहीं है। आपको बता दें कि राज्य सरकार एवं मनरेगा के अभिसरण से बिरसा सिंचाई कूप सर्वधन योजना के तहत कुल 1 लाख कूपों का निर्माण विभिन्न चरणों में किया जाना है, लेकिन मुख्यमंत्री इसके कार्य प्रगति को लेकर खुश नजर नहीं आए और जल्द से जल्द योजना का लाभ ग्रामीणों को देने का आदेश दिया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना का शुभारंभ किया गया है ताकि जल संरक्षण को बल मिल सके एवं वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति लोगों में जागरूकता का संचार हो सके। झारखंड सरकार गांव-गांव में खोलेगी दवा की दुकान। चतरा जिले से झारखंड सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पंचायत स्तर दवा दुकान योजना की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को पंचायतों में दवा दुकान संचालित करने का लाइसेंस सौंप कर इस योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने करीब 3 अरब 78 करोड़ रुपए की 219 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया है। वहीं लाभुकों के बीच 2 करोड़ 81 लाख की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। उन्होंने कहा है कि अब गांव-गांव में भी दवा दुकान खोले जाएंगे। यहां जरूरी और अनिवार्य दवाई उपलब्ध होगी ताकि रिमोट और दूर दराज में रहने वाले ग्रामीणों को दवा के लिए प्रखंड और जिलों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। झारखंड के 24 DSP IPS में होंगे प्रोन्नत।
राज्य पुलिस सेवा संवर्ग से भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में प्रोन्नति के लिए राज्य के 24 डीएसपी के नाम पर मुहर लग गई है। संघ लोक सेवा आयोग की बोर्ड की सोमवार को हुई बैठक में सभी डीएसपी के नाम पर अंतिम रूप से निर्णय लिया गया। अब यूपीएससी जल्द ही आवश्यक कार्रवाई पूरी कर राज्य सरकार को चयनित डीएसपी के नामों की सूची भेजेगी। डीएसपी से आईपीएस संवर्ग में प्रोन्नति का मामला 2016 के बाद से ही लटका हुआ है। बता दें, राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस में प्रोन्नत पदाधिकारियों का कुल पद 45 है। यह प्रोन्नति राज्य सरकार के 2017 में 9, 2018 में 4, 2019 में 5 और 2020 में 6 पद पर दी गई है। जेएमएम का तंज, पूर्व सीएम के सिरे से नहीं उतरी सत्ता की खुमारी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के निशाने पर हैं। सोमवार को मोर्चा ने आरोप लगाया है कि रघुवर दास के सर से सत्ता की खुमारी नहीं उतरी है, उन्हें कांके के किसी अस्पताल में अपना इलाज करानी चाहिए। मोर्चा ने आरोप लगाया है कि उन्हें हर योजना अपनी सरकार की नज़र आती है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती। अगर उन्हें सही तरीके से काम किया होता तो जनता उन्हें नहीं नकारती। उन्होंने विधायक के लायक भी लोगों ने नहीं समझा। बता दें, मोर्चा ने कहा है कि जनता ने उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया है। रघुवर दास अपने कार्यकाल में एक जेपीएससी परीक्षा तक नहीं करा पाए और वर्तमान सरकार से नियुक्ति का हिसाब मांगते हैं। युवक से मारपीट मामले में अरगोड़ा थाना प्रभारी सस्पेंड। अरगोड़ा थाना में बीते 15 जून को विनोद सिन्हा नाम के युवक से मारपीट की गई थी। इस मामले में झारखंड पुलिस मुख्यालय संज्ञान लेते हुए अरगोड़ा थाना प्रभारी संजय कुमार को सस्पेंड कर दिया है। अब विनोद कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया था कि अरगोड़ा थाना प्रभारी के कहने पर ही मुंशी ने मेरी पिटाई की। उन्होंने थाना प्रभारी को गिरफ्तार करने की मांग की है। कहा था कि उनका पूर्व में मोबाइल चोरी हो गया था। 15 जून 2023 को हरमू बाजार में वे सब्जी खरीद रहे थे। इसी दौरान अरगोड़ा पुलिस एक मोबाइल चोर को पकड़ कर थाना ले गई। उन्हें लगा कि चोर ने उनका भी मोबाइल मिल जाएगा, इसलिए वे भी पीछा करते करते अरगोड़ा थाना पहुंच गए। प्रभु जगन्नाथ का मना नेत्र उत्सव, 20 जून को रथ यात्रा। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सोमवार को सरायकेला व खरसावा के जगन्नाथ मंदिर में प्रभु जगन्नाथ बलभद्र देवी सुभद्रा व सुदर्शन का नेत्र उत्सव संपन्न हुआ। सोमवार को 14 दिनों के बाद सभी जगन्नाथ मंदिर के कपाट खुले। सरायकेला, खरसावा, हरिभंजा समेत अन्य जगन्नाथ मंदिरों में इस वर्ष नेत्र उत्सव के दौरान नौ यौवन रूप के दर्शन की रस्म निभाई गई। इस दौरान भक्तों की भीड़ भी देखी गई। गुमला में वज्रपात से 3 लोगों की मौत, 6 पशु भी मरे। गुमला जिले में सोमवार को वज्रपात का कहर देखने को मिला। बता दें, घाघरा प्रखंड में नाबालिग सहित 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक घायल है। वहीं वज्रपात से विभिन्न जगह आधा दर्जन पशुओं की भी मौत हुई है। यहां तक कि पुआल में वज्रपात होने से आग लग गई और पुआल जलकर राख हो गया। वहीं वज्रपात से घायल को CHC घाघरा में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सरायकेला में राज्यपाल ने स्टूडेंट से किया संवाद। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सोमवार को सरायकेला दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिलों में आयोजित कई कार्यक्रम में शिरकत की। सबसे पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सरायकेला स्थित संजय ग्राम स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें, राज्यपाल ने जनजातीय आवासीय विद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर पौधारोपण किया और तस्वीरें भी खिंचाई एवं बच्चों के बीच ट्रॉफी का भी वितरण किया। वहीं KBPSD बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि कक्षा 9 से ऊपर तक के बच्चों को सप्ताह में 1 अंडा और 2 गिलास दूध मिले। इस संबंध में वे राज्य सरकार से बात करेंगे। चतरा को सीएम हेमंत की सौगात, 14 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में वह शामिल हुए। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 करोड़ की 42 योजनाओं का उद्घाटन किए, साथ ही 364 करोड़ की 177 योजनाओं का शिलान्यास भी किए। इस दौरान 11 लोगों को सीएम हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इस कार्यक्रम के दौरान श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक अम्बा प्रसाद, सीएम के सचिव विनय चौबे सहित कई अतिथि मौजूद थे। बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के हर वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं।
गिरिडीह के बगोदर में दिन दहाड़े ट्रक मालिक की गोली मारकर हत्या। गिरिडीह के बगोदर डीह में एक बाइक सवार नकाबपोश अपराधी ने दिन दहाड़े एक ट्रक चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बगोदर डीह निवासी राजकुमार यादव के रूप में की गई। मामला दोपहर के जिले के बगोदर थाना क्षेत्र की है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि वह एक ट्रक मालिक था। वहीं दोपहर में उसके मोबाइल पर किसी व्यक्ति का फोन आता है, जिसके बाद वह उस व्यक्ति से मिलने के लिए बगोदर डी स्थित पेट्रोल पंप जाता है। इस दौरान बाइक में सवार होकर एक नकाबपोश अपराधी आता है और एक के बाद एक तीन राउंड फायरिंग कर फरार हो जाता है। कुख्यात अपराधी अनिल शर्मा की पत्नी ने लगाई गुहार। रांची के रिम्स में इलाज करा रहे कुख्यात अपराधी अनिल शर्मा को बेहतर इलाज के लिए किसी उच्च स्वास्थ्य संस्थान नहीं ले जाने पर अनिल शर्मा की पत्नी ने एक पत्र जारी किया है। अनिल शर्मा की पत्नी ने बताया है कि रिम्स के द्वारा एक महीने पहले ही उनके पति को बेहतर इलाज के लिए रेफर करने की अनुशंसा कर दी गई, लेकिन जेल प्रशासन अनिल शर्मा को इलाज के लिए एम्स नहीं भेज रहा। ऐसे में उनके पति के साथ कुछ भी होने पर उनकी जिम्मेदारी जेल प्रबंधन की होगी। बता दें कुख्यात अपराधी अनिल शर्मा की पत्नी ने हजारीबाग जेल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए पत्र जारी किया है। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव बोले 2024 में मोदी सरकार का जाना तय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा है कि 2024 में मोदी सरकार का जाना तय है, क्योंकि मोदी सरकार से जनता उब चुकी है। देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काकर देश में विभाजन कर राजनीतिक रोटी सेकने वाली मोदी सरकार को देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। देश में महंगाई व बेरोजगारी के कारण लोगों को लाचारी में जीने के लिए मोदी सरकार ने मजबूर कर दिया। ऐसे में देश की सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने की ज़रूरत है। बता दें रामगढ़ में कलकत्ता सम्मेलन एवं दो दिवसीय राज्य परिषद की बैठक के समापन के बाद रांची के सीपीआई कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। देवघर से तीन साइबर आरोपी अरेस्ट। साइबर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर पालोजोरी थाना क्षेत्र के मकरा केंदा गांव में छापेमारी कर तीन साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से छापेमारी टीम ने 7 मोबाइल व 15 फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं। यह जानकारी साइबर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर के एन सिंह ने दी है। बता दें थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर के एन सिंह ने बताया है गिरफ्तार साइबर आरोपियों में बरदा डुब्बा गांव निवासी इमरान हुसैन सहित मकरा केंदा गांव निवासी कौशल राजा व सिराज अंसारी शामिल हैं। हजारीबाग के सरकारी स्कूलों में 22 जून से बैक टू स्कूल कैंपेन। हजारीबाग जिले के लगभग 1800 सभी सरकारी स्कूलों में 22 जून से 15 जुलाई तक बैक टू स्कूल कैंपेन चलेगा। इसमें 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने एवं नामांकन के बाद स्कूल में ठहराव पर जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सोमवार को शिक्षा अधिकारियों का एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला नगर भवन में हुई। उद्घाटन डीसी नैसी सहाय ने किया। बता दें हजारीबाग डीसी ने कहा है कि शिक्षक विद्यार्थी की पढ़ाई में रुचि ले, विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करे। बैक टू स्कूल कैंपेन के दौरान शिक्षक घर घर जाकर ड्रॉप आउट एवं स्कूल से दूर रहने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे। पलामू के छोटू हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पलामू जिला अंतर्गत लेसलीगंज में 12 जून को हुई छोटू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी सनी कुमार सोनी उर्फ गोलू एवं सुजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले में मुख्य आरोपी रोहित कुमार को पुलिस ने हत्या के दूसरे दिन 13 जून को ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। इसकी जानकारी एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को दी है। एसपी ने बताया है कि छोटू चंद्रवंशी उर्फ ननकू की हत्या आपसी तकरार को लेकर हुई है। रोहित सिंह और ननकू सिंह में पहले भी कई बार लड़ाई हो चुकी है। रांची जमीन घोटाला। छवि रंजन के सहयोगियों ने बनाए थे 143 एकड़ जमीन के फर्जी डीड। भूमि घोटाले में गिरफ्तार रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन का खास सहयोगी अफसर अली उर्फ अपसु खान बड़ा जालसाज है। वह बरियातू में मिल्लत कॉलोनी स्थित संगम लेडीज टेलर के समीप का निवासी है। वह रिम्स में रेडियोग्राफर के पद पर भी कार्यरत रहा है। उसने ईडी के सामने यह स्वीकार कर लिया है कि उसे जमीन के फर्जी कागजात तैयार करने में विशेषज्ञता है। इसी की पूछताछ में उसने बताया कि उसने ही रांची के बरियातू में स्थित सेना के उपयोग वाली
4.55 एकड़ जमीन के कागजात में फर्जीवाड़ा कर प्रदीप बागची को जमीन मालिक बना दिया था। मानसून के दस्तक देते ही गिरा राज्य का तापमान। सोमवार को राजधानी में दोपहर में जहां लोग तपती गर्मी और पसीने से तरबतर थे, तो शाम होने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। बता दें, तापमान गिर गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राजधानी रांची के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि रविवार को रांची का तापमान 40.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो कि गिरकर 37.8 डिग्री सेल्सियस सोमवार को रिकॉर्ड किया गया। हालांकि सामान्य तापमान की बात करें तो रांची का 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक बताया जा रहा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि राज्य में मानसून प्रवेश कर चुका है। जेपी नड्डा की जनसभा को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा 22 जून को गिरिडीह में निर्धारित है। जनसभा झंडा मैदान में होगी और इसके लिए प्रदेश नेतृत्व ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश खुद पूरी तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं। बता दें, जेपी नड्डा जनसभा होने तक वहीं कैंप करेंगे। इस दौरान लगातार आसपास के क्षेत्रों में वे जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेंगे। इनकी इस कवायद का उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में अधिक से अधिक भीड़ जुटाना है। इस हिसाब से स्थानीय नेताओं को भी जिम्मेदारी उसके स्तर से सौंपी गई है। झारखंड में भरपूर मात्रा में मौजूद है बालू। झारखंड में बालू की कमी का बहाना बनाकर बिचौलिए बड़े पैमाने पर कालाबाजारी कर रहे हैं, लेकिन कहानी ठीक उसके विपरीत है। बता दें, राज्य में भले ही बालू संकट की बातें कही जा रही हो, लेकिन सच्चाई यह भी है कि 8 जिलों के 14 घाटों का भरपूर मात्रा में बालू उपलब्ध है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के आंकड़ों के अनुसार इन घाटों पर 50 लाख CFT के करीब बालू उपलब्ध है। हालांकि राज्य के अन्य जिलों में बालू घाटों के टेंडर की प्रक्रिया लटक गई, जो अक्टूबर माह के बाद ही सुनियोजित हो पाएगी। विद्युत विभाग को मानसून ने दी राहत। राज्य में मानसून की दस्तक के साथ ही बिजली की मांग में सोमवार को कमी देखने को मिली है। राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण पिछले कुछ दिनों से बिजली की मांग 3000 मेगावाट तक पहुंच गई थी, अब यह घटकर 2000 मेगावाट रह गई। सोमवार को बिजली वितरण निगम को 300 मेगावाट बिजली एक्सचेंज को सरेंडर करना पड़ा। कई दिनों से एक्सचेंज से राज्य सरकार को 6 रुपये से 10 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदना पड़ रहा था। बता दें, गर्मी के कारण राज्य में लगातार लोड शेडिंग की जा रही थी। ओवरलोडिंग के कारण उपकरण भी लगातार खराब हो रहे थे। वहीं बीते एक माह में राज्य में लगभग 300 से अधिक ट्रांसफार्मर जले हैं। इसमें आधे से अधिक ट्रांसफार्मर राजधानी रांची में खराब हुए हैं। 2 मिनट में 50,000 का लोन लेने के चक्कर में फंसा हजारीबाग का युवक। फेसबुक और व्हाट्सएप सूचना के लिए है और अगर आप सतर्क नहीं हैं तो आपको इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। बता दें, साइबर ठग लगातार घात लगाकर बैठे रहते हैं और अगर आप लालची बने तो आपको अपनी जमा पूंजी भी गंवानी पड़ सकती है। बता दें, ऑनलाइन ठगी का ताज़ा मामला हजारीबाग दारू थाना के जिनगा गाँव का है, जहाँ महेंद्र कुमार लोन लेने के चक्कर में ठगी का शिकार हुए। सिर्फ 2 मिनट में लोन के जाल में फंसे महेंद्र को फेसबुक पर धनी ऐप द्वारा लोन दिए जाने की विज्ञापन देख संपर्क किया था। क्वार्टर फाइनल में हरियाणा से हार कर झारखंड बाहर। 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में सोमवार को झारखंड टीम क्वार्टर फाइनल के संघर्षपूर्ण मुकाबले में हरियाणा से पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से पराजित होकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। मैदानी खेल में दोनों टीमें 2-2 गोल के बराबरी पर थी। बता दें, मैदानी खेल में झारखंड टीम की ओर से नवीन करकेटा और अतीश डोडराय ने 1-1 गोल किया। वहीं पेनाल्टी शूट आउट में अतीश डोडरा और सिमोन बोदरा ने गोल किया। राउरकेला में आयोजित यह प्रतियोगिता 22 जून तक चलेगी। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।